जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग प्रेमी गोविंद में। और आज हम ये जो ब्लॉग है ये बना रहे हैं अपने इस माइक्रोफोन से, जो कि हम अभी रिसेंटली में ही खरीद के लाए थे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसकी वॉइस आपको कैसी लगी। और अभी है मॉर्निंग का समय और हम जा रहे हैं बाग। पापा अभी सो रहे हैं क्योंकि उन्होंने रात भर गाय जो हैं वो आ जाती हैं, तो उन्हें देखा वहाँ पर बाग में, और इसीलिए वो अभी सो रहे हैं। और इधर हमारे सभी जानवर बंधे हैं, और गाय और भैंसी को हमने अभी दुहा था। और अब हम जा रहे हैं बाग और वहाँ पे काटेंगे घास, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा घाम हो जाएगा तो काटना कठिन होगा। इधर आप टॉमी को भी देख सकते हैं, ये भी सो रहे हैं, ये भी पापा के साथ बाग में तकाई करते हैं। और इधर ये किट्टी ये जानवरों की गंदगी साफ कर रही हैं। ले ली पानी की बोतल, और ये रही घास लेने के लिए हमारी पल्ली। यहाँ पर सूर्य देवता भी निकल चुके हैं। ये आ गया हमारा बाग, जो कि अब की बार इसमें जो आम आए थे वो बहुत कम आए थे, और एक बार इसकी टूट हो चुकी है, वो भी थोड़े पेड़, चार पेड़ तोड़े गए थे और चार ही पेड़ अभी और हैं, जबकि कम से कम 42 पेड़ हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने कम पेड़ आए थे, लेकिन खाने के लिए काफ़ी हो गए थे। और इधर ये रहा जराकुश का पेड़, और ये रहे पपीते, अब की बहुत छोटे छोटे लगे हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई है। और ये रहा करौंदा का पेड़, जो अभी लगे नहीं हैं, सर्दियों में लगते हैं। उसके बगल में ये नींबू का पेड़। और इधर आप देख सकते हैं कि ये हैं, इसे ही कहते हैं लेंगड़ा बनारसी, और ये काफ़ी अच्छा इसका आम होता है, और इसको छू लेने से इस पे प्रिंट हो जाते हैं, जैसे उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। हमारे बाग में इसके तीन पेड़ हैं। और ये वाला पेड़ जो कि मीठे आम का है, ये एक बगल के बाग से इसका पौध ली गई थी जो लगाया गया है, और इसे पानी काफ़ी डाला जाता है क्योंकि गर्मी चल रही है, और इसको काफ़ी सुरक्षित भी रखा गया है क्योंकि बकरियां इसे खा सकती हैं। और इधर रहा ये, इसे बोलते हैं खटुआ का पेड़ देसी भाषा में, जो कि ज़्यादा मियाँ आने के कारण इसकी ये देखिए डाल लच गई है। और ये पेड़ है, इसमें दो प्रकार के आम लगते हैं, इधर ये देसी आम लगते हैं और ये देखिए पास से, और इधर दशहरी लगती है, वो देखिए इधर लगी हुई हैं। और ये आधा भाग इधर से ये देसी का है, और इधर ये दशहरी का है। और देख सकते हैं जिसमें आम आए हैं उसमें कितनी सारी अमिया लगी हैं, और जिसमें आम नहीं आए हैं उसमें एक भी अमिया नहीं लगी हुई हैं। इसमें देखिए आया है तो इसमें कितनी अमिया लगी हुई हैं। और ये सारी सब सियार ने खाई हैं रात को। और इधर ये है नींबू का पेड़, लेकिन इसमें नींबू बहुत कम लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, ये एक ही दो नींबू लगे हुए हैं। अब टामी और किट्टी अपने बैठने का जुगाड़ ढूंढ लिया है। यहाँ पर ये है मीठी नीम का पेड़, और ये खेत जिसमें हमने पूरे में पांच डाल दिए है, कम से कम ये 2.5 बीघा या 2.75 बीघा का है, और इसमें अब मकाई बोई जाएगी। और ये भी खेत, इसमें हम न्यारा मकाई बाएंगे, और इस खेत में बटाई पे ताऊ मकाई बाएंगे, और यहाँ से जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से लगा के ये इधर इधर से लगा के, ये यहाँ से लगा के उधर सड़क तक पूरे में झटका करंट लगाया जाएगा क्योंकि जानवर बहुत आते हैं। और ये रहा हमारा बारहमासी चारा, ये एक बार बोने से 4 साल चलता है। ये जो चारा है, ये इस चारे को पापा एक लोग से बगल के गांव से लाए थे, और इसकी इतनी इतनी बोटियां लगाई जाती हैं, उसके बाद ये चारा इतना बड़ा आप देख सकते हो गया है, लेकिन ये काफ़ी मुलायम कटता है और ये दूसरी बार तैयार हुआ है। ये कहा जाता है कि एक बार लगाने से 5 साल चलता है, और इसकी जो बेड़ होती है उसको आप और भी जगह लगा के काफ़ी मात्रा में कर सकते हो। और इधर ये रहा छोटा चारा, ये छोटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तरबूज थे, और इसीलिए कम चारा काट लेने से कम 5 जानवर खा सकते हैं।
हमारे खेत में अभी भी तरबूज काफी लगे हुए हैं, लेकिन उनमें कोई स्वाद नहीं है। ये इतने में तरबूज यहाँ पर बोए गए थे और ये रहा हमारा चारा, इसमें ये पूरी वो चारा बोया गया है। उधर भी ये देख सकते हो चारा है, उधर भी ये चारा है। जानवरों के लिए काफी चारा बोया गया है, अब हम इसी में घास काटेंगे। दीदी यहाँ पर जल चढ़ा रही हैं और इस समय एक सत्तारी रहती हैं, तो इनका दिमाग पूजा में ज़्यादा लगता है और ये पूजा के साथ वीडियो भी बनवाने में काफ़ी माहिर हैं। इसीलिए हमसे इन्होंने पैसे दिए हैं कि हम पूजा करें और आप हमारा वीडियो बनाएं। इधर हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और साथ में इसके बाद उत्तर प्रदेश सामान्य गान का अध्ययन होगा, क्योंकि यूपीपी का कब नोटिफिकेशन आ जाए किसी को मालूम नहीं, और आप तो जानते हैं हम ठहरे भी रोजगार। दीदी यहाँ पर आज बनाई हैं कटहल की पकौड़ी और देखिए इनको वीडियो बनाना कितना है पसंद, हाथ में पकड़ लिया और बोल रही हैं कि ऐसे अब बनाओ इससे व्यू अच्छा आएगा, और अपना ही अकेले अकेले खा ले रहे हैं, हमसे पूछ भी नहीं रही हैं, हमको बना दिया है कैमरामैन। अभी बज चुके हैं 2:30 और हम आ गए हैं सक्षम के साथ बाग, क्योंकि घर में लेटे थे खाना खाने के बाद, वहाँ पर अत्यधिक गर्मी लग रही थी, इसी वजह से हम आ गए हैं बाग, आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी हवा धीमे धीमे चल रही है, लेकिन यहाँ पर घर से सुकून ज़्यादा है। और अभी शाम के बज चुके हैं 6:08 और हमने चारा कटा के नहा लिया है और पूजा पाठ दोबारा कर लिया है, और इधर हमारी बूढ़ी अम्मा लेटी हुई हैं और इधर हमारी दीदी, इनके पास काम केवल है फ़ोन में केवल स्टेटस चेक करती, लेकिन खुद की फ़ोटो कभी भी नहीं लगाती। समझ सकते हो क्यों नहीं लगाती, क्योंकि इनको भगवान ने ऐसा बनाया है। और इधर हमारे सभी जानवर चारा खा रहे हैं और हम अभी चल रहे हैं दुकान की तरफ और वहाँ से कुछ चीज़ें हमें लानी हैं। दुकान से हम लाए हैं 2 टोस्ट और ये रही किशमिश और ये बालाजी का खट्टा मीठा मिक्स दालमोठ, और अब चलते हैं छत पर क्योंकि बाहर हैं पापा, और पापा के सामने हम ब्लॉग नहीं बनाते हैं और वहीं पर थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। और ये रहे हमारे टॉमी, बच गया वरना टॉमी अभी भोग लगा देते, क्योंकि किशमिश भगवान को भोग लगाने के लिए आई है और टॉमी ही झूठा कर देते। लोग देख सकते हो कि अटारी का व्यू कितना अच्छा है और हम अभी खा रहे हैं दाल मोठ, और इधर ये रही चाणक्य नीत, क्योंकि महापुरुष लोग कहते हैं कि रोज आधा ही पेज पढ़ें वा एक लाइन पढ़ें, लेकिन रोज कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जो आपको ऊर्जावान बनाए, इसीलिए अभी हम पढ़ रहे हैं चाणक्य नीत और आपको बताते हैं क्या सीखा आज हमने। चाणक्य नीत से हमने सीखा कि मनुष्य के प्राण और लक्ष्मी मतलब धन और ये संसार नश्वर है, केवल धर्म ही शाश्वत है, मनुष्य को धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए और धर्म पर ही चलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर हम समाप्त करते हैं, कल फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।